आध्या अध्याय को मनाने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गई और ऑफिस पहुंचकर आध्या ने अपने मन में कहा, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा अध्याय, देखती हूँ तुम मेरी बात को कैसे नहीं मानते हो। मुझे तुम्हें मनाना आता है और मैं तुम्हें मना कर रहूंगी, और इस बार मैं तुम्हें मनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही आध्या अध्याय के ऑफिस की ओर बढ़ी, उसे वॉचमैन ने रोक लिया और बोला, मैम आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकती हैं, प्लीज आप बाहर रहिए। आध्या ने वॉचमैन से कहा, लेकिन मैं अध्याय की वाइफ हूँ और मुझे अध्याय से मिलना है, तो फिर मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती हूँ? वॉचमैन ने कहा, बस मैम आप नहीं जा सकती हैं, प्लीज मुझे फोर्स मत करिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आध्या ने गुस्से में आकर कहा, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है, अभी एक बार मैंने धैर्य को बताया ना तो तुम्हारी जॉब तुरंत चली जाएगी। वॉचमैन ने आध्या से कहा, मुझे जो बोला गया है मैं वो ही कर रहा हूँ, और मेरी जॉब की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, मुझे पता है मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। लेकिन आध्या ने अंदर जाने की इज्जत कर ली थी और फिर वो आगे उस गार्ड से बोली, अंदर तो मैं जाकर ही रहूंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और तुम जैसे वॉचमैन तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर आध्या अंदर जा ही रही थी कि तभी इस बार एक वुमेन गार्ड ने आकर आध्या को रोक लिया और कहा, जब आपको मना किया जा रहा है तो फिर भी आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? आप बाहर रहिए। आध्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इस तरह का बिहेव क्यों हो रहा था। इसके अलावा बहुत से लोग आध्या पर हंस भी रहे थे क्योंकि उसे इस तरह से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था और वो बाहर खड़ी थी। वहीं कई लोगों को एंट्री मिल रही थी, लेकिन सिर्फ आध्या को ही एंट्री नहीं मिल रही थी। आध्या ने उन लोगों से कहा, तुम लोग ने मेरी बेइज्जती करवाने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तभी लेडी गार्ड ने कहा, आप धैर्य सर को नीचे बुला लीजिए, नहीं तो ऐसे हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। हर कोई आध्या पर हंस रहा था और आध्या को भी काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी। इतने में धैर्य आध्या के पास आ गया और उसे अपने साथ अपने कैबिन में ले गया। धैर्य काफी गुस्से में था और उसने आध्या से कहा, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? और अगर आना ही था तो तुम मुझे कॉल कर देती, कम से कम इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती तो ना होती। आध्या ने धैर्य से कहा, अच्छा तो मेरे आने से आपकी बेइज्जती हो गई? धैर्य ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो आध्या फालतू की बातें मत करो, मुझे ऑफिस में काम है और मैं किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे काम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब आध्या ने धैर्य से कहा, यह बात मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती होती है, लेकिन तुम मुझसे यूँ नाराज मत हुआ करो, आखिर ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है जो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? मुझसे गलती हुई है ये मैं मान रही हूँ, और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी भी बोल रही हूँ, और आगे से कोशिश भी करूंगी कि दोबारा ऐसा कुछ भी ना हो। धैर्य ने आध्या से कहा, मैंने तुम्हें कुछ भी करने और ना करने से कभी रोका नहीं है, तुम्हारी जो भी मर्जी है वो तुम करो, ना ही मैंने तुम्हें कभी रोका है और ना ही कभी आगे तुम्हें रोकूंगा। आध्या जानती थी कि धैर्य अभी भी गुस्से में था और आध्या उसे मनाने की जितनी भी कोशिश कर रही थी वो सभी फेल हो रही थी। फिर आध्या धैर्य के साथ उसी के कैबिन में रुक गई और घर के लिए नहीं गई। धैर्य ने उसे कई बार घर जाने के लिए कहा, लेकिन आध्या ने उससे कहा कि वो उसके साथ ही घर जाएगी। आध्या धैर्य से बात करना चाहती थी, लेकिन धैर्य उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और खुद को काफी ज्यादा बिजी दिखा रहा था, और वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि आध्या को धैर्य से बात करने का एक भी मौका ना मिल सके। और इस वजह से पूरा दिन आध्या और धैर्य की कोई भी बात नहीं हुई। शाम को दोनों एक साथ घर के लिए निकल आए और आध्या ने रास्ते में भी धैर्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन धैर्य ने सही तरीके से अब भी आध्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आध्या ने गुस्से में आकर कहा, ये सही नहीं है धैर्य, तुम मुझसे इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की है और कितनी बार तुमसे सॉरी भी कहा है, और मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन फिर भी तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। धैर्य ने आध्या से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की और मुझे सॉरी बोलने की, मुझे तुम्हारी सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और तुम वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है। आज तुम सॉरी बोलोगी और कल वही करोगी जो तुम्हें सही लगेगा, इससे तो अच्छा है कि तुम सॉरी ना ही बोलो। आध्या और धैर्य घर पहुंच गए और धैर्य सीधे अपने कमरे में जाने लगा, आध्या भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। और फिर जैसे ही धैर्य दरवाजा बंद करने वाला था तब तक आध्या धैर्य के कमरे में आ गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसे अपनी ओर खींच लिया। आध्या ने धैर्य के लिप्स पर स्मूच करते हुए कहा, पता है जब तुम बात नहीं करते हो तो और भी ज्यादा हॉट लगते हो, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे तुम्हारी ओर खींच लाता है, और फिर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। धैर्य आध्या से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आध्या ने तुरंत उसे किस करना शुरू कर दिया। आज आध्या धैर्य को वाइल्डली किस करते हुए जा रही थी, आध्या धैर्य के पूरे शरीर में किस कर रही थी। धीरे धीरे धैर्य भी आध्या की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। तभी आध्या ने धैर्य की शर्ट उतार दी और उसके शरीर पर किस करने लगी। धैर्य और आध्या दोनों एक दूसरे से रोमांस करने लगे। धैर्य आध्या को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी उसे किस करने लगा और दोनों ही लोग वाइल्ड किस करते जा रहे थे। और फिर आध्या ने धैर्य को किस करते हुए कहा, सॉरी धैर्य, मैं कभी भी तुम्हें उदास करना या गुस्सा दिलाना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। धैर्य और आध्या एक साथ काफी देर तक रोमांस करते रहे और आध्या रोमांस करने के साथ साथ धैर्य से माफी भी मांग रही थी
वहीं धैर्य का सारा गुस्सा आध्या के साथ रोमांस करते हुए निकल रहा था और वो उसे वाइल्डली प्यार किए जा रहा था। मुक्ति, वीरा, भक्ति और रावी घर पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी वीरा सिर्फ भक्ति को लेकर ही सोचे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भक्ति ऐसा भी कर सकती थी। जब वो सारे लोग घर पहुंच गए तो वीरा ने भक्ति से कहा, भक्ति मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर निकल जाना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए, अब तुम्हारे पापा भी परेशान हो रहे होंगे। मुक्ति ने जैसे ही यह सुना कि वीरा भक्ति को घर जाने के लिए कह रही है तो मुक्ति ने वीरा से कहा, आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। जब हमारी एक बार बात हो गई है कि भक्ति यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, फिर आप लोग कुछ भी समझते क्यों नहीं हो। वीरा ने मुक्ति को समझाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी बात पहले मान गई थी, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। तुम्हें जितने दिन भी भक्ति के साथ रहना था तुम रह चुकी हो, अब उसे अपने घर जाने दो, अपने परिवार से मिलने दो, वहां इसके परिवार वाले भी परेशान हो रहे होंगे। भक्ति कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत उदास सी हो गई थी। भक्ति बिल्कुल भी दिल्ली वापस जाना नहीं चाहती थी। तभी वीरा ने मुक्ति से कहा, अगर ये यहाँ से नहीं जाती है तो तुम देखना एक दिन ये हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये हम सबके लिए मुसीबत ना बने इसीलिए मैं इसे यहाँ से भेज रही हूँ। रावी भी वीरा के इस डिसीजन से खुश नहीं थी। रावी ने वीरा से कहा, ये क्या है वीरा, तुम हर बार बस भक्ति को यहाँ से भेजना चाहती हो, उसे रहने दो। अगर उसे यहाँ अच्छा लग रहा है और वो यहाँ रहना चाहती है तो फिर तुम क्यों हर बार उसे तंग करती हो। और रही बात ये कि भक्ति के यहाँ रहने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारी वीरा कब से चैलेंजेस से डरने लगी। वीरा ने रावी से कहा, तुम बात को समझ नहीं रही हो, मैं अगर कह रही हूँ तो किसी न किसी कारण से कह रही हूँ। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कहती हूँ, और वैसे भी मैंने भक्ति को रुकने का मौका दिया था, लेकिन भक्ति का यहाँ रुकना मुझे सही नहीं लग रहा है और मैं सोच समझ कर ये डिसीजन ले रही हूँ। रावी ने वीरा से गुस्सा होते हुए कहा, भक्ति यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, चाहे तुमने डिसीजन सोच समझ कर लिया हो या फिर बिना सोचे समझे। मुक्ति ने भी रावी का साथ देते हुए कहा, हाँ हम भक्ति को कहीं भी नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए भक्ति अब यहीं रहेगी, और ना ही कोई उसे यहाँ से भगा सकता है और ना ही कोई उसे यहाँ से ले जा सकता है। वीरा ने कहा, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। रावी और मुक्ति पर वीरा की जब एक भी नहीं चली तो वीरा ने भक्ति को ही कहना शुरू कर दिया और भक्ति की तरफ घूरते हुए कहा, तुम यहाँ हमारे परिवार में लड़ाई करवाने के लिए आई हो क्या? हम लोग खुशी से रह रहे थे, वो तुमसे देखा नहीं क्या, और इतना सब होने के बावजूद भी तुम यहाँ से नहीं जा रही हो। मैं तो कहती हूँ अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। जैसे ही भक्ति ने यह सुना तो वो इमोशनल हो गई और उसके आंख से आंसू गिरने लगे। मुक्ति को गुस्सा आ गया और उसने वीरा से कहा, आपको किसी के इमोशन की कोई फिक्र नहीं है, और आप बोलने से पहले भी नहीं सोचते हो कि किसी क्या बुरा लगेगा और क्या अच्छा लगेगा, बस आप बोल देना जानती हो क्योंकि आपका मन कर रहा है, इसीलिए मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कुछ समझ भी आता है? भक्ति रोते हुए वहां से चली गई थी और मुक्ति भी भक्ति को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी। वहीं रावी ने वीरा से कहा, बस रुला दिया ना उसे, तुम भी क्या ही करती रहती हो, कितनी सीधी सी है बेचारी और तुमने उसे रुला दिया। वीरा ने रावी से कुछ भी नहीं कहा और अपने मन में बोली, जो भी हो लेकिन भक्ति सीधी तो बिल्कुल भी नहीं है। रावी अभी तुमने भक्ति का असली चेहरा देखा नहीं है, उसका असली चेहरा तो मैं देख कर आ रही हूँ, मुझे पता है वो क्या है, और तुम सब बस उसे सीधा मान कर बैठी हो। रावी ने वीरा पर गुस्सा करते हुए कहा, वीरा अपनी जिद और अपनी हनक छोड़ दो, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में तुम अपनी दूसरी बेटी भी खो दो। तुम्हारे और मुक्ति के रिश्ते भक्ति के आने के बाद ही कुछ सही हुए थे, घर में भी भक्ति के आने के बाद कुछ खुशियां आई थी, लेकिन तुम्हारी ये जिद सभी खुशियों को फिर से छीन लेगी। और ध्यान रखना वीरा, अगर भक्ति चली गई तो मुक्ति तुमसे फिर शायद ही कभी बात करे। क्या भक्ति वापस दिल्ली जाएगी? वीरा जहां भक्ति को दिल्ली भेजना चाहती थी, वहीं उसे इस बात का डर भी था कि कहीं मुक्ति और उसकी बातचीत फिर से न बंद हो जाए। वहीं रावी भी भक्ति और मुक्ति के पास चली गई और तभी वीरा ने अपने मन में कहा, ये बात तो सही है, अगर भक्ति यहाँ से जाती है तो मुक्ति मुझसे फिर से बोलना बंद कर देगी, और भक्ति के जाने के बाद फिर से हमारे और मुक्ति के रिलेशन बिगड़ जाएंगे। वीरा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मुक्ति और उसके रिश्ते बिगड़े। फिर वीरा अपने मन में बोलती है, लेकिन अगर मैं भक्ति को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूंगी तो वो किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, दोनों तरफ प्रॉब्लम ही है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वीरा फिर भक्ति को दिल्ली भेजने के बारे में सोचने लगी। उधर आध्या के साथ जिन लड़कों ने बदतमीजी की थी, उन लड़कों को आज एक लड़के ने घेर लिया और उन सभी से कहा, तो तुम लोग चंद पैसों के लिए लड़कियों के साथ ये सब करते हो? उन लड़कों ने कहा, हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलो तो तुम्हारे साथ कुछ करके बताएं, या फिर अगर तुम्हें किसी के साथ कुछ करवाना हो तो बोलो। मोक्ष ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम लोगों के दिमाग में ये बात आई भी कैसे? तुम लोगों की मेरे सामने ये सब कहने की औकात कैसे होगी? लगता है अभी तक तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, लेकिन आज जान जाओगे। मोक्ष जो कि जिंदा था, उसने उन लड़कों को घेर रखा था जिन लड़कों ने आध्या को किडनैप करके वहां छोड़ दिया था, जहां लड़कियां बेची जाती हैं। मोक्ष ने इन लड़कों में से एक को पकड़ा और उसको लगातार थप्पड़ मारने लगा, और जो भी लड़का उस लड़के को बचाने के लिए आ रहा था, मोक्ष उसे भी मार रहा था, और फिर कोई भी मोक्ष के सामने टिक नहीं पाया।
लगातार बारी बारी से मोक्ष हर लड़के को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था। और उसके बाद उसने आगे कहा, तुम लोगों ने ऐसा काम किया है कि जिसकी कोई सजा नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा तुम इस काम के बारे में सोचोगे ही नहीं। मोक्ष उन लड़कों को बिजली के शॉक दे रहा था और वो लड़के तड़प रहे थे। कुछ लड़के तो उसमें से बेहोश भी हो गए थे और वो लड़के मोक्ष से सिर्फ माफी मांग रहे थे, लेकिन मोक्ष उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। तभी वहां पर एक लड़की आई और बोली, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और जो हो गया सो हो गया, उसे अब भूल जाओ। मोक्ष ने पलट कर देखा तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रशा थी। मोक्ष ने प्रशा से कहा, इन लड़कों का मैं वो हाल करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैं इन्हें मौत नहीं दूंगा, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी जरूर दूंगा। प्रशा ने रोकते हुए कहा, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? आध्या तो वापस आ गई है और जो होना था वो हो चुका है। अब इन लोगों को इस तरह टॉर्चर करने से कोई फायदा नहीं है। मोक्ष ने इरिटेट होते हुए कहा, बिल्कुल फायदा है। कम से कम ये और दूसरी लड़कियों के साथ तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे जैसा इन लड़कों ने आध्या के साथ किया है। आज आध्या न जाने किस हालत में और कैसी होती। ये लोग लड़कियों और औरतों को समझते क्या है? इन्हें तो आज मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। जितना दर्द मेरी आध्या को हुआ होगा उससे ज्यादा दर्द अब इन्हें होगा। प्रशा ने मोक्ष से कहा, अपने सिर पर छड़ा हुआ भूत उतारो और जो हो गया उसे भूल जाओ। आध्या जब सही सलामत वापस आ गई है तो अब तुम्हें फिर से उस बात पर बवाल क्यों बनाना है? मोक्ष ने प्रशा से कहा, मैं कोई बवाल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर आध्या के साथ कुछ भी गलत हुआ तो जो भी उसके साथ गलत करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रशा ने मोक्ष से कहा, तुम ऐसे आध्या को पा नहीं लोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम इन्हें सबक सिखाओगे और आध्या तुम्हें देख रही है? आध्या को पता भी नहीं चलेगा तुमने इन सबके साथ क्या किया है। आध्या को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने आध्या का बदला इन लड़कों से लिया है। और आध्या को तुम्हारे बारे में तो ना ही कभी पता चलेगा और ना ही वो तुम पर कभी यकीन करेगी। मोक्ष ने प्रशा से कहा, मैं आध्या को कैसे भी करके अपनी बनाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रशा ने मोक्ष से कहा, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो इस वक्त इससे तो तुम्हें कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ये सुनकर मोक्ष का गुस्सा बढ़ गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो आध्या को कैसे हासिल करे। वो आध्या को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। आध्या को पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। और वहीं जब प्रशा लगातार उससे कह रही थी कि वो आध्या को नहीं पा सकता है तो मोक्ष ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं पा सकता हूँ? मैंने अब तक जो भी किया है सब तुम्हारे कहने पर ही किया है और तुमने ही मुझसे कहा था कि एक दिन आध्या मेरी होगी, फिर तुम अब अपनी बात से पलट क्यों रही हो? प्रशा ने मोक्ष से कहा, लेकिन आध्या तुम्हारी तब होगी ना जब वो भी तुम्हें अपना माने। वो तो तुम्हें उस नजर से देखती ही नहीं है जिस नजर से तुम उसे देख रहे हो। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त मानती है और इसीलिए उसने अब तक जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती है। और इसके सिवा आध्या तुम्हें अपना कुछ भी नहीं मानती है। मोक्ष का गुस्सा और भी बढ़ गया था और उसने गुस्से में प्रशा से कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि आध्या मुझे जरूर मिलेगी और एक दिन वो मुझे प्यार करने लगेगी और सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। प्रशा ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, हाँ आ भी सकती है अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए तो, और तुमने सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक कर लिया तो आध्या तुम्हारे पास आ भी सकती है। मोक्ष ने कहा, मैं अब तक सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही तो करता आ रहा हूँ, लेकिन अगर इन सब के बावजूद मुझे आध्या नहीं मिली तो तुम देखना फिर मैं क्या करूंगा। प्रशा ने मोक्ष से कहा, अरे इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम शांत रहो और थोड़ा इंतजार करो। जो मैंने कहा है वही होगा, हमें बस अपने प्लान में सफल होना है, फिर देखो कैसे आध्या तुम्हारे पास चली आती है। मोक्ष खुश था क्योंकि प्रशा ने उसे एक उम्मीद दे दी थी कि एक दिन आध्या जरूर आएगी। वहीं प्रशा ने अपने मन ही मन में कहा, बहुत बड़े पागल हो तुम मोक्ष, जिस दिन आध्या को सच्चाई का पता चलेगा उस दिन के बाद आध्या तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेगी। वो तुम्हें कुछ भी नहीं मानती है और तुमने न जाने उसे लेकर क्या क्या सोच लिया है, और ये सब जब आध्या जानेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर प्रशा ने अपने मन में दोबारा कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये झूठी उम्मीद नहीं दूंगी तो मेरा काम कौन पूरा करेगा? तुमसे काम कराने के लिए मुझे तुम्हें आध्या के सपने तो दिखाने ही होंगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने अभी तुम्हें सच बता दिया और तुम्हारे चेहरे के सामने से ये झूठ हटा दिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। प्रशा के लिए मोक्ष कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम निकालने वाला एक मोहरा था। प्रशा मोक्ष से सिर्फ अपना काम निकाल रही थी। उसे मोक्ष की खुशी और मोक्ष की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था, वो बस मोक्ष को इस्तेमाल कर रही थी। प्रशा जानती थी कि धैर्य को पाने के लिए मोक्ष को अपने प्लान में शामिल करना जरूरी था। प्रशा ने अपने मन में कहा, मोक्ष को मुझे तब तक बेवकूफ बनाकर अपने प्लान में उलझाए रखना है जब तक धैर्य मेरे पास नहीं आ जाता है, और एक बार धैर्य मुझे मिल गया फिर तो मैं इसे ऐसे साइड करूंगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहां प्रशा मोक्ष को धोखा देने के बारे में सोच रही थी, वहीं मोक्ष प्रशा के हर काम में उसके साथ था, और उसे लगता था कि प्रशा के साथ प्लान में शामिल होकर उसे आध्या मिल जाएगी। उधर भक्ति काफी देर से रो रही थी और मुक्ति उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भक्ति चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार रोई जा रही थी। तभी मुक्ति ने भक्ति से कहा, तुम उनकी बात का बुरा ना मानो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है वो कुछ भी कहती रहती है
वो एकदम से जब परेशान हो जाती है तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्या कह रही है, और तुम उनकी बात का बुरा मान रही हो। भक्ति ने रोते हुए कहा, मैं आप लोगों के रिलेशन को तोड़वाना नहीं चाहती हूँ। मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आपके और उनके बीच मेरे कारण बातचीत नहीं होगी, और अगर मेरी वजह से ऐसा होता है तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी। तभी रावी ने भक्ति से कहा, तुम्हारी वजह से रिश्ते टूट नहीं रहे हैं भक्ति, बल्कि तुम रिश्तों को जोड़ने का काम कर रही हो। तुम्हारे कारण ही मुक्ति और वीरा की बातचीत शुरू हुई। मुक्ति के बिहेवियर में जो चेंजेस आए वो भी तुम्हारे कारण आए। आज अगर हम सब एक साथ घूमने गए थे तो वो सब तुम्हारी वजह से था, और तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से रिश्ते टूटेंगे? ऐसा नहीं है भक्ति, तुम वीरा की बातों को भूल जाओ। वो अभी कुछ परेशान है, और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी तब उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा। मुक्ति और रावी भक्ति को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भक्ति कुछ भी समझना नहीं चाह रही थी और बस रो रही थी। भक्ति ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस घर से निकल जाएगी और अब वो यहाँ नहीं रहेगी। वहीं मुक्ति कतई नहीं चाहती थी कि भक्ति वापस से दिल्ली जाए। उधर आध्या खैरे के बारे में काफी देर से सोच रही थी, और उसने अपने मन में कहा, खैरे ने हर बार मुझे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाया है। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने हर मुसीबत से मुझे बाहर निकाला है, और मैं जब देखो तब उसी पर गुस्सा करती रहती हूँ। इतनी बार जो उसने मेरी जान बचाई, उसके लिए तो मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए, और मैं हमेशा उससे गलत तरीके से बात करती रही। मैंने कभी भी धैर्य से सीधे मुंह बात नहीं की। आध्या धैर्य के बारे में सोच रही थी, और आध्या की फीलिंग धैर्य की ओर बढ़ती ही जा रही थी, और उसने फिर से अपने मन में कहा, भले ही धैर्य जताता ना हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करता है। उससे ज्यादा मुझे कोई और प्यार नहीं कर सकता है। धैर्य ने जो कुछ भी अब तक मुझे दिया है, मैं तो उसका आधा और एक चौथाई भी उसे नहीं दे पा रही हूँ। धैर्य ने मेरे लिए सब कुछ किया है, और मैं हूँ कि आध्या अपने आप को कोसे जा रही थी और धैर्य की तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी। तभी आध्या ने खुद से निर्णय लिया, जो भी हो मैं सच को सबके सामने लाकर रखूंगी। मैं अब धैर्य को सिर्फ अजम्पशन के आधार पर कुछ भी नहीं कहूंगी, बल्कि मैं खुद अब ये पता लगाऊंगी कि आखिर सच क्या है। अब तो मुझे भी कुछ कुछ शक हो रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि मैं जो सोच रही थी वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि धैर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन धैर्य ने ऐसा किया है या नहीं किया है, इस बारे में मुझे पता लगाना होगा, और अब मुझे धैर्य को वो देना होगा जिसका वो हकदार है। मैं बेवजह उसे अब और अपना ये एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। क्या आध्या बदल जाएगी और सच्चाई ढूंढ निकालेगी? आध्या का प्यार धैर्य की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, और अब वो धैर्य की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसे ये एहसास होने लगा था कि धैर्य ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, और वो बेमतलब ही धैर्य पर गुस्सा करती थी और उसकी बात नहीं मानती थी। आध्या जानती थी कि धैर्य की बात न मानने के कारण ही उसे कई बार मुसीबत का सामना करना पड़ा था। वहीं वीरा भक्ति को दिल्ली भेजने की जिद नहीं छोड़ रही थी। पहले ही उसने भक्ति को काफी कुछ सुनाया था, और अभी भी वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। रावी ने वीरा से कहा, तुम उसे कितना सुनाओगी? हो गया यार, अब बस भी करो। तब से तुम उसे सुनाए ही जा रही हो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? वीरा ने रावी से गुस्से में कहा, इतना कुछ कहने के बावजूद भी तो ये यहीं पर खड़ी है और जाने का नाम नहीं ले रही है। और कोई लड़की होती तो इतना सुनने के बाद एक मिनट भी नहीं रुकती, लेकिन ये है कि अभी भी यहीं पर खड़ी है, और चाहे ये जितना भी रोले, और तुम लोग चाहे जितना भी इसे रोकने की कोशिश कर लो, मैंने जो कह दिया है तो मैं वही करूंगी, और मेरा यही फैसला है कि ये यहाँ पर नहीं रहेगी, इसे यहाँ से जाना ही होगा। रावी ने वीरा से कहा, अब बहुत हो गया, और आज तुम्हारी इज्जत चलने वाली नहीं है, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। काफी देर से वीरा रावी और मुक्ति को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रावी और मुक्ति वीरा की बात को मान ही नहीं रही थी, और वो अपनी ही बात पर अटल थी, और उनका यही कहना था कि वो भक्ति को कहीं भी जाने नहीं देगी। तभी वीरा ने रावी से कहा, रावी तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, तुम इधर मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुक्ति ने वीरा से कहा, आपको जो भी कहना है वो यहीं पर कहिए ना, वहाँ पर जाकर आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ हम सब तो अपने ही हैं, कोई अलग तो है नहीं हम सब में से। वीरा ने मुक्ति से कहा, वो मैं भी जानती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि मुझे रावी से कुछ पर्सनल बात करनी है, तो रावी बस इधर आ जाओ। जब रावी वीरा के पास गई तो वीरा ने उससे कहा, क्या तुम जानती नहीं हो इस वक्त ऋषि कौन है और वो किस पोजीशन पर है? वैसे भी ऋषि के बारे में तुम सब कुछ नहीं जानती हो, ऋषि कुछ भी कर सकता है और उसके कारण हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। उससे अच्छा तो यही होगा कि हम भक्ति को वापस से दिल्ली भेज दें, जिससे हम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीरा ने रावी को बताया, ऋषि देश का प्रेसिडेंट है और उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो भक्ति को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर उसे कोई और भी कदम उठाना पड़ा तो वो भी वो उठाएगा और बिल्कुल भी इसके बारे में सोचेगा नहीं। रावी ने वीरा से कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? और अगर भक्ति यहाँ रहना चाहती है तो हम उसे कैसे ये कह दे कि तुम यहाँ नहीं रह सकती और तुम्हें जाना पड़ेगा? वीरा ने रावी से कहा, भक्ति को यहाँ पर रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि भक्ति यहाँ से चली जाए, और भक्ति को भेजने की बात पर मैं खुश भी नहीं हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं किसी भी परेशानी में पड़ना नहीं चाहती हूँ। तुमको तो पता ही है
छोटी सी भी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए कितनी दिक्कतें लेकर आती है। ऐसे में मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, रावी ने वीरा से कहा। लेकिन क्या मुक्ति इस बात के लिए मानेगी? वो भक्ति को कभी भी भेजना नहीं चाहेगी, वीरा ने रावी से कहा। अब वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसे भेजना होगा। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो हम सबको तबाह कर सकता है। तुम लोग भले उसके बारे में इतना न जानती हो लेकिन मैं ऋषि को अच्छी तरह से जानती हूँ, रावी ने वीरा की तरफ देखा और बोली। इसका मतलब है तुम अपने फायदे के लिए भक्ति को खुद से दूर कर दोगी? वीरा, तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना ही दिखता है और कोई तुम्हें दिखता नहीं है। तुम हर चीज को अपने हिसाब से ही क्यों चलाना चाहती हो? तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ सिर्फ इसीलिए तुम यहाँ से भक्ति को भेज रही हो। खुद के कम्फर्ट के लिए तुम भक्ति को वहाँ भेज रही हो जहाँ भक्ति कभी भी रहना ही नहीं चाहती है, वीरा ने गुस्से में कहा। मैं वैसे भी भक्ति को कभी भी अपने पास रखना नहीं चाहती थी, एक मुक्ति काफी नहीं है क्या? वो भी तो सही से बात नहीं करती है और अब ये आ गई। आखिर इसे आना ही क्यों था? जब ऋषि पर इसकी जिम्मेदारी थी तो मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? रावी वीरा से काफी नाराज थी। वहीं भक्ति और मुक्ति वीरा की सारी बातें सुन रहे थे और भक्ति ने गुस्से में रोते हुए कहा, इतना सब होने के बाद मुझे यहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहिए और आप सही कह रही हैं, मैं फालतू में ही आप पर बर्डन बन रही हूँ। आपकी जिम्मेदारी तो आपकी बेटी मुक्ति है, मैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ। काश मुझे ये एहसास पहले होता, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। गुस्से में आकर भक्ति वहां से जाने लगी और उसके पीछे पीछे मुक्ति भी जा रही थी। मुक्ति ने भक्ति को बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन भक्ति नहीं रुकी और निकल गई, लेकिन मुक्ति अब भी भक्ति के पीछे पीछे जा रही थी। तभी रावी ने वीरा से कहा, तुम कभी भी अपनी बेटियों को प्यार दे ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम अपनी बेटियों में भेदभाव करती हो, जो मुझे समझ नहीं आता है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, इतने समय बाद तुम्हारे पास तुम्हारी दोनों बेटियां थीं और दोनों का ही प्यार तुम्हें मिल रहा था, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो कि तुम अपनी जिद के आगे अपनी बेटियों की खुशियां भी नहीं देख पाती हो, वीरा ने रावी से रोते हुए कहा। तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाए जा रही हो। मुझे भी ये सब पता है और मैं भी खुश थी जब मुक्ति ने मुझसे बोलना शुरू किया था। मुक्ति और मेरा रिलेशन सुधर रहा था, ऐसे में मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा। लेकिन असल बात तुम्हें नहीं पता है, मैं यूं ही नहीं इतनी रिजिड हो रही हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है, रावी ने वीरा की तरफ देखा और बोली। तुम तब से यही कह रही हो एक कारण है एक कारण है, आखिर क्या बात है जो तुम अचानक से इतना जिद पर अड़ गई हो? वीरा ने रावी से कहा, मैं पहले भी भक्ति को अपने से दूर कभी नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन भक्ति को मजबूरी में मुझे दूर करना पड़ा। अगर मैं भक्ति को दूर नहीं करती तो ऋषि मेरी दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाता और इसीलिए मैंने बचपन में ही भक्ति को खुद से अलग कर दिया था। और अगर भक्ति मेरे पास रहेगी तो ये तय है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को खो दूंगी और मैं मुक्ति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। मेरा प्यार भक्ति के लिए अब भी उतना ही है, लेकिन दोनों को खोने से अच्छा है कि मैं भक्ति को ऋषि के पास भेजकर उसे एक अच्छी जिंदगी दे दूं जिससे मेरी दोनों ही बेटियां खुश रहें। नहीं तो अगर ऋषि का दिमाग खराब हो गया तो इन दोनों की जिंदगी नरक बन जाएगी। वीरा की आंख से आंसू गिर रहे थे। रावी ने वीरा की आंखों के आंसू को पोंछा और उसे कुछ भी नहीं बोली। वहीं भक्ति सीधे एयरपोर्ट के लिए जा रही थी और मुक्ति भी उसी के साथ थी। मुक्ति ने भक्ति को समझाते हुए कहा, तुम मेरी बात समझो भक्ति, वो ऐसे ही बोलती रहती हैं, उनकी बात का बुरा क्यों ही मानना, वो ऐसी ही हैं, बगैर सोचे समझे ही सब कुछ बोल देती हैं। और वैसे भी तुम मेरे साथ रह रही हो तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मत जाओ भक्ति, मेरी बात मानो और लौट चलो। भक्ति मुक्ति की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और बस जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना चाहती थी। मुक्ति ने बहुत कोशिश की भक्ति को मनाने के लिए कि वो अपना डिसीजन बदल ले, लेकिन भक्ति पर मुक्ति की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद भक्ति ने मुक्ति से कहा, मैं तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई दिक्कत हो, इसीलिए बेहतर तो यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और तुम सब लोग खुश रहो। मुक्ति ने भक्ति से कहा, हम सब तो तुम्हारे यहाँ आने से खुश थे, हम सब तो तब खुश रहेंगे जब तुम हमारे पास रहोगी, लेकिन अगर तुम चली जाओगी तो हमारी सारी खुशियाँ भी चली जाएंगी। भक्ति ने मुक्ति से कहा, भक्ति मेरे वहाँ पर रहने से सिर्फ तुम खुश होगी और कोई नहीं, बाकी सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मेरे लिए और बाकी सभी के लिए सही यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। भक्ति और मुक्ति एयरपोर्ट पहुंच गए थे। मुक्ति के बार बार कहने पर भी भक्ति रुकने को राजी नहीं हो रही थी और वो दिल्ली के लिए निकल रही थी। तभी वहां पर वायु आ गया और जैसे ही भक्ति जाने वाली थी कि तभी वायु ने भक्ति को आकर रोकते हुए उससे आगे बोला, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है भक्ति, और अब तुम हमारे साथ ही रहोगी और तुम अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलो। जैसे ही मुक्ति और भक्ति ने वायु को देखा तो वो दोनों दंग रह गई। मुक्ति ने वायु से कहा, आप यहाँ और आपको ये सब किसने बताया? वायु ने मुक्ति से कहा, मैं यहाँ भक्ति को घर ले जाने के लिए आया हूँ, जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैं तुरंत ही यहाँ चला आया। ये जानकर मुक्ति खुश हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि भक्ति वायु की बात को कभी भी नहीं टालेगी। मुक्ति ने भक्ति से कहा, भक्ति अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, और अब तो तुम कोई बहाना भी नहीं बना सकती हो, और ना ही अब तुम्हें हमारे घर में रहने से कोई भी रोक सकता है।
भक्ति ने वायु की तरफ देखा और बोली, मैं वहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मेरे वहाँ रहने से मामा को बहुत तकलीफ होती है और मैं अब उन्हें और परेशान करना नहीं चाहती हूँ। मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे ये बात मानने के लिए ना कहिए। वायु ने भक्ति की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ तुमसे पूछने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम घर चल रही हो या नहीं, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें घर चलना ही होगा और तुम अब वहीं पर रहोगी, और अब कोई भी तुम्हें वहां से नहीं ले जा सकता है। तुम वहां से तभी जाओगी जब तुम्हारी मर्जी होगी, इसीलिए चुपचाप से मेरे साथ चलो। भक्ति वायु के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मुक्ति ने भक्ति से कहा, तुम्हें अपने से बड़ों का कहना तो मानना ही होगा, और हम सब जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मम्मा आपसे कुछ भी नहीं कहेंगी, बस तुम घर चलो और इसे छोड़ दो। वायु के ऑर्डर्स के आगे भक्ति की एक भी न चली और वो मुक्ति और वायु के साथ घर जाने के लिए राजी हो गई। वायु मुक्ति और भक्ति को लेकर घर पहुंच गया था, और फिर भक्ति के वापस लौट आने पर फिर से सब खुश हो गए थे। वीरा और रावी हवेली में नहीं थी और उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि भक्ति अब राजवंश हवेली पहुंच चुकी थी और खुद वायु से हवेली में लेकर आया था। क्या वीरा भक्ति को फिर से अपना लेगी? हवेली में सभी भक्ति के आने पर खुश थे और भक्ति भी सबसे मिलकर खुश थी। सभी लोग भक्ति की तारीफ कर रहे थे और उसे प्यार भी कर रहे थे। भक्ति के आने के बाद से हवेली का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया था और हर कोई खुश था। तभी धैर्या ने भक्ति से कहा, हम कब से चाहते थे कि तुम हमारे पास ही रहो, लेकिन वक्त और सिचुएशन ने हमें ऐसा बांध रखा था कि हम कभी भी तुम्हें अपने पास बुला ही नहीं सके। लेकिन आज जब तुम हमारे पास आ गई हो, तो अब हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे और तुम हमारे पास ही रहोगी। वायु ने भी धैर्या की बात को काटते हुए कहा, भक्ति बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ पर हैं और हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। न ही कोई यहाँ से तुम्हें ले जा सकता है और न ही कोई तुम्हें यहाँ से भगा सकता है। भक्ति उन सबके साथ होकर बहुत खुश थी और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भक्ति ने कहा, मुझे आप लोगों के होते हुए किसी से भी कोई डर नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मम्मा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती हूँ। धैर्या और वायु भक्ति के पास आए और उसे समझाते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे भी समझ आ जाएगा। वो थोड़ी बहुत जल्द परेशान हो जाती है, लेकिन अब तो तुम्हें वो कुछ भी नहीं कह पाएगी क्योंकि तुम हमारे पास में हो। भक्ति सबसे हंसकर बात कर रही थी और सब लोग भक्ति से खुश थे। कभी कभी तो भक्ति ऐसी बातें करती थी जिससे सभी को हंसी आ जाती थी। और तभी वायु ने कहा, आज कितनी रौनक है यहाँ पर, कितने सालों बाद इस हवेली को ये रौनक मिली है। भगवान अब ऐसा करना कि ये खुशियां कभी भी यहां से जाए ना। सब लोग काफी खुश थे और भक्ति हवेली में एंजॉय कर रही थी। वहीं आध्या और धैर्य में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था और आध्या धैर्य को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। आध्या ये पूरी कोशिश कर रही थी कि धैर्य और उसके बीच सब पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, लेकिन धैर्य भले ही आध्या से बात कर रहा था, लेकिन वो आध्या से खुश नहीं था। तभी आध्या ने धैर्य से कहा, तुम्हें मेरे साथ अभी और इसी वक्त एक जगह पर चलना होगा। जल्दी से तैयार हो जाओ और हम बस 15 मिनट में निकलने वाले हैं। धैर्य ने आध्या से कहा, लेकिन हमें कहाँ जाना है वो तो बताओ। आध्या ने धैर्य से कहा, वो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और ज्यादा सवाल मत करो। धैर्य आध्या से पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आध्या उसे कुछ भी नहीं बता रही थी और धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से आध्या धैर्य को कहां लेकर जाना चाहती थी। काफी पूछने के बाद भी जब आध्या ने नहीं बताया तो धैर्य ने फिर इससे आगे उससे कुछ भी नहीं पूछा, और फिर आखिरकार धैर्य भी थोड़ी देर में तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही आध्या धैर्य के सामने तैयार होकर आई तो उसे देखकर धैर्य के होश ही उड़ गए। आज आध्या काफी खूबसूरत लग रही थी और जो शॉर्ट ड्रेस उसने पहनी थी वो आध्या पर काफी ज्यादा सूट कर रही थी। जैसे ही धैर्य ने आध्या को देखा वो देखता ही रह गया और अपने मन में ही आध्या से बोला, आध्या कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि जिसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता है। धैर्य अपने मन ही मन में आध्या की तारीफ कर रहा था कि तभी आध्या ने धैर्य से कहा, क्या देख रहे हो धैर्य, और कहां सोच में पड़ गए हो। धैर्य ने आध्या से नजर हटाई और कुछ भी नहीं बोला। वहीं आध्या मुस्कुरा रही थी और फिर उसने कहा, क्या देख रहे थे बताओ। आध्या धैर्य के एकदम करीब आ गई थी और अब वो और भी ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। धैर्य ने दबी हुई आवाज में आध्या से कहा, आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आध्या ने जब धैर्य के मुंह से ये सुना तो वो थोड़ा शर्मा सी गई और फिर बोली, अगर आज मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आज वाकई बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि तुमने आज से पहले मेरी ऐसी कोई तारीफ नहीं की है, और जितना भी मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करते हो। धैर्य ने आध्या से मुस्कुराते हुए कहा, वो सब तो ठीक है आध्या, लेकिन ये तो बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। आध्या ने धैर्य से कहा, वो आपके लिए एक सरप्राइज है, बस अब आप चलिए। इसके बाद वो दोनों निकल गए और थोड़ी ही देर में वो एक क्रूज पार्टी में पहुंच गए। धैर्य जैसे ही उस जगह पर पहुंचा तो उसने कहा, वाह कितना सुंदर माहौल है,
क्या एनवायरनमेंट है, देखकर ही दिल खुश हो जाए। जस्ट वाओ आध्या। आध्या धैर्य को देखकर खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि धैर्य के दिल को जीतने का एकमात्र रास्ता यही था। आध्या ने धैर्य से कहा, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा और इसीलिए मैंने इसे बुक किया। धैर्य ने आध्या से कहा, मुझे ये पसंद ही नहीं आया, बल्कि सच बताऊं मैंने आज तक इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी। ये सब यहाँ है, मुझे पता नहीं था। थैंक्स आध्या। आध्या और धैर्य पार्टी इंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे। धैर्य वहाँ का नजारा देखकर बहुत खुश था और वो दोनों कभी कभी रोमांटिक डांस भी कर रहे थे। तभी डांस करते वक्त आध्या धैर्य के करीब आई और डांस करते हुए बोली, धैर्य मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। धैर्य ने आध्या की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो आध्या, कह दो। आध्या ने धैर्य से कहा, मुझे पता है धैर्य तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो और मुझे मानते भी हो, लेकिन शायद मैं ही तुम्हें कभी उतना प्यार नहीं दे पाई जितना तुम डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। मैंने अपनी मर्जी से कई ऐसी चीजें की जिनसे बाद में मैं ही मुसीबत में फंस गई, और जिस वक्त भी मैं प्रॉब्लम में थी उस समय हमेशा मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। तुमने हर प्रॉब्लम से मुझे बचाया है, यहाँ तक कि शायद आज मैं अगर जिंदा भी हूँ तो तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुमने बगैर अपनी लाइफ की परवाह किए हुए मेरी लाइफ को बचाया है। आध्या ने काफी पी रखी थी तो धैर्य ने आध्या से कहा, देखो आध्या मैं जानता हूँ तुमने पी रखी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं ना कभी तुम्हारे किसी बात का बुरा मानता हूँ और ना मैं कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा मानूंगा। तुम जब भी प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हें हमेशा खड़ा मिलूंगा। आध्या धैर्य के और करीब आ गई और लिपट कर बोली, मुझे पता है धैर्य तुम हमेशा हर जगह मेरे लिए खड़े रहोगे, लेकिन मैं ही तुम्हारे लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाई, और इसीलिए मैं तुमसे हर बात के लिए सॉरी कहती हूँ और मैं अब कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। आध्या इमोशनल थी और उसकी आंखों में आंसू थे। धैर्य ने आध्या के आंसू को पोंछते हुए कहा, आध्या तुम्हें सॉरी बोलने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर बात को अच्छे से समझता हूँ और जो हो गया है उसे भूल जाओ। धैर्य और आध्या एक साथ पार्टी इंजॉय कर रहे थे। उधर रावी और वीरा को पता चल गया कि वायु भक्ति को राजवंश हवेली में वापस ले आया था। वीरा और रावी ने जैसे ही ये सुना तो रावी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं वीरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वीरा ने कहा, ये क्या नया ड्रामा है, अगर वो जा रही थी तो उसे जाने क्यों नहीं दिया और उसे वापस से हवेली क्यों ले आए, क्या ये लोग हर सिचुएशन को मजाक ही समझते हैं। जिस तरह से ये सोच रहे हैं ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं है, ऋषि भक्ति को हासिल करने के लिए क्या कुछ करेगा वो तो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं रावी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो दुनिया की कोई ताकत भी भक्ति को यहाँ रहने से रोक नहीं सकती है। रावी ने वीरा की तरफ देखा और बोली, तो वीरा अब क्या करोगी तुम, अब तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है और अब तुम भक्ति को यहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह सकती हो। वीरा को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही रावी की तरफ देखा। उसके बाद दोनों ही हवेली की तरफ निकल गए। वहीं हवेली के बाहर दिव्या हंगामा कर रही थी। गार्ड ने दिव्या से कहा, आप यहाँ से चली जाइए, हम यहाँ किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते, जिन्हें परमिशन होती है सिर्फ वही अंदर जाते हैं। दिव्या ने उस गार्ड से कहा, मुझे मेरी ही बेटी से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, तुम सबकी एक मिनट में वाट लगा दूंगी, नहीं तो चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। राजवंश हवेली में मौजूद हर कोई ये सब देख रहा था और गार्ड को सख्त ऑर्डर थे कि दिव्या और उसके गार्ड अंदर आने नहीं चाहिए। हवेली के गार्ड ने दिव्या से कहा, अगर आप यहाँ से नहीं जाती हैं तो मजबूरी में हमें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, इसीलिए सही रहेगा कि आप यहाँ से चली जाएं। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। दिव्या ने उस गार्ड को धमकाते हुए कहा, तुम जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो मैं उसे भी अपने पैरों में झुकाने की औकात रखती हूँ, वो तो अंदर मेरी बेटी है, नहीं तो अब तक मैं ना जाने क्या करती थी। ये सब सुनकर भक्ति को गुस्सा आ रहा था और बोली, कोई बेटी आपकी यहाँ नहीं है और आपकी गार्ड इतना मार खाए हैं फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, आप लोग मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं ले जा सकते और आप हैं कि बार बार पिटने के लिए चली आती हैं। भक्ति गुस्से में थी और गुस्से में वो दिव्या के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ तमाशा बंद करो और यहाँ से इनको लेकर जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी दिव्या ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें लिए बिना कैसे जा सकती हूँ, और तुम मेरे साथ ही जाओगी और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलती हो। भक्ति के साथ वायु और वीरा के गार्ड थे। मीरा वहीं पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी और उसने अपने गार्ड्स को भक्ति की सिक्योरिटी के लिए इसीलिए भेज दिया था ताकि कहीं दिव्या किसी भी तरीके से उसे ले जाना सके। दिव्या लगातार खुद को भक्ति की माँ बोल रही थी और वहीं भक्ति दिव्या को अपनी माँ मानने से बार बार इनकार कर रही थी। दिव्या ने भक्ति से कहा, तुम वहाँ से सब कुछ छोड़कर कहाँ ये छोटे से घरों में पड़ी हुई हो, वहाँ तो तुम्हारे लिए हर तरह का इंतजाम है, तो तुम अपनी मम्मी के साथ दिल्ली वापस चलो। भक्ति ने दिव्या से साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिव्या भक्ति को साथ ले जाने के लिए जैसे रट लगाए हुए थी। दिव्या खुद को भक्ति की माँ बता रही थी और ये बात वीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पहले ही दिव्या ने जिस तरह से हंगामा कर रखा था उससे वीरा को प्रॉब्लम थी। अब वीरा और भी ज्यादा गुस्से में थी। दिव्या खूब जोर से चिल्ला रही थी। कितने में वीरा ने गुस्से में दूर से ही दिव्या को लोहे की एक ऐसी चीज से मारा जिससे दिव्या के सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। और इसके बाद वीरा ने सबको अंदर जाने के लिए कहा और बोली,
इस औरत का यही इलाज था। क्या भक्ति अब दिल्ली नहीं जाएगी और हमेशा राजवंश हवेली में ही रहेगी?